जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि 4 घायल हुए। इस आतंकी हमले को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादित बयान देते हुए स्टंटबाजी करार दिया और कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। चन्नी के इस बयान पर पलटवार किया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। जालंधर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अनुराग ठाकुर से जब चन्नी के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या होगी जो अपने ही जवानों को सशक्त करने के बजाय ये लोग 10 साल दलाली ही खाते रहे। मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय, हथियार देने की बजाय, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बजाय, लड़ाकू विमान देने की बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया। दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है जिसने अगर डोकलाम में भी किसी ने अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी किया है। हमने देश के अंदर भी आतंकवादी हमले और नक्सलवाद को कुचलने का काम किया है। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। पुंछ हमले को लेकर चन्नी के इस विवादित बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी तकरार अभी और बढ़ती नजर आ रही है।